राष्ट्रवादी युवा मंच के बैनर तले मंगलवार को गांवा प्रखंड में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंजने पंचायत से किया गया। राष्ट्रीय ध्वज बैनर आदि से लैस दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांवा अमतरो पटना मालडा नगवा गदर पिहरा जगदीशपुर समेत कई गांवों का भ्रमण कर भगत सिंह के सम्मान में जमकर नारेबाजी की। दर्जनों मोटरसाइकिल में सवार कार्यकर्ता सड़क मार्च करते हुए गांवा हाट बाजार पहुंचे, जहां भगत सिंह के कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भगत सिंह के चित्र पर पुष्पार्पण व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को आज़ाद करने में भगत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्होंने भारतीय युवाओं को देश की एकता अखंडता और देश को गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में युवा मंच के द्वारा भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर विकास कुमार उर्फ रंजित राम, कन्हैया राम, अरुण चौधरी, अशोक मिस्त्री, पवन चौधरी, रंजीत चौधरी, मुजाहिद अली, अमित बर्णवाल, शमशीर आलम, रणधीर चौधरी समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। देते हुए एक तिरंगा यात्रा के द्वारा इनको सम्मान देने की जो है सो आज एक सम्मान देने की और हम लोग कदम बढ़ाए हैं। आज गांव से चलकर यह तिरंगा यात्रा पीरा तक जाएगी और तमाम युवाओं को यह संदेश देगी कि हम सभी चाहे जिस धर्म से हो, जिस जाति से हो, जिस मजहब से हो, हम सभी अपने देश अपने धर्म अपने अपने देश अपने गांव अपने समाज के लिए हमेशा आगे रहें और समाज के लिए या देश के लिए जब भी जरूरत पड़े सरदार भगत सिंह की तरह अपने जान को हथेली पर रखते हुए समाज के या देश के प्रति हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और उसके लिए समर्पित रहें। इस अवसर पर महीने से जो निकली वाक हुए एक गांवा पटना मालडा आपका गदर खरसान होते हुए पीरा पूरे होते हुए जगदीश पीरा होते हुए अभी जो है सो हम लोग पीरा मानपुर चौक पर पहुंचे हैं और इस जगह पे हम लोग आज भगत सिंह के चित्र पर उस पर स्थापित करके श्रद्धांजलि देंगे, उनका जन्मदिवस को मनाएंगे हम लोग। और आज तिरंगा यात्रा आज देश के वैसे तमाम तबकों को इससे हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आप देश को छोड़ करके राजनीति करना जो चाह रहे हैं, देश को बांट करके जो आप राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। यहाँ देश एकता एक है, एकताबद्ध कतारों से देश चलेगी। यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मिल करके इस देश के निर्माण में सहयोग करेंगे, इस देश के उन्नति में सहयोग करेंगे और वैसे काले लोगों के खिलाफ में एकजुट होकर के पूरे देश की जनता लड़ाई लड़ेगी और आगे बढ़ेगी।